नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज है 15 अक्टूबर 2019 और 15 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20+ करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल में तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं, विश्व मानक दिवस हाल ही में कब मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया का CEO किसे नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाल ही में किसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 मिला है। दोस्तों ये भारतीय मूल के हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन, तो हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो इनका जो नाम है अभिजीत बनर्जी। अभिजीत बनर्जी के दोस्तों हाल ही में जो है ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। अभिजीत बनर्जी इनका नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में BCCI यानी हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों तो सौरव गांगुली को, याद रखिएगा सौरव गांगुली के दोस्तों हाल ही में BCCI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में किसने अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता। तो लक्ष्य सेन ने दोस्तों हाल ही में अपना जो है BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता है लक्ष्य सेन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में ब्रिक्स संस्कृत मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो दोस्तों ये कहाँ आयोजित हुई है, ब्राज़ील में दोस्तों ब्रिक्स जो संस्कृत मंत्री हैं इनकी बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों ब्राज़ील में ये आयोजित हुई, ये याद रखिएगा। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, ब्रिक्स में दोस्तों कौन कौन से देश हैं आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं किसको किसको याद है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में किसे भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों के सतीश रेड्डी को दोस्तों हाल ही में जो है किसे भारतीय फार्मास्यूटिकल जो अलायंस है इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो के सतीश रेड्डी को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों तो चंडी प्रसाद भट्ट को दोस्तों हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। याद रखिएगा इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा चंडी प्रसाद भट्ट को। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में वन फास्टैग का एक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों ये उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। याद रखिएगा हाल ही में वन फास्टैग का जो है यहाँ पर सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, और ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये आपका उद्घाटन किया जाएगा नई दिल्ली में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव के 10वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है। दोस्तों तो ये मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। क्या क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का जो 10वां संस्करण का आयोजन हो रहा है किस राज्य में। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में ये आयोजन हो रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है एग्जाम में आएगा जरूर। क्या बोल रहे हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार, इसका नाम है वज्र प्रहार 2019 शुरू हुआ है। तो अमेरिका और भारत के बीच में दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच में जो है वज्र प्रहार 2019 जो है सैन्य अभ्यास से ये शुरू हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, हाल ही में किसे मास्टर कार्ड इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे मास्टर कार्ड इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है, विकास वर्मा को हाल ही में मास्टर कार्ड इंडिया का CEO नियुक्त किया गया है, विकास वर्मा को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट, क्या बोल रहे हैं, ऑनर्स, ठीक है, भारत की सबसे पहली महिला जो ग्रेजुएट ऑनर हैं का नाम क्या है जिसको हाल ही में गूगल ने डूडल समर्पित किया है, नाम है उनका कामिनी राय, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कामिनी राय है भारत की पहली महिला जो है ग्रेजुएट ऑनर्स में, और यहाँ पर दोस्तों इनका नाम है कामिनी राय और इन्हें जो है गूगल ने अभी डूडल समर्पित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों करेंट अफेयर का, 2019 समन्वित गश्ती यानी कॉर्पोरेट
भारत की नौ सेनाओं और किसके बीच आयोजित किया जाता है? बोल रहे हैं कि ये 2019 संवंती जो गश्ती है, ये भारत और किस देश के बीच जो है, भारत के नौ सेना और किस देश के बीच ये किया जाता है, तो बांग्लादेश के बीच दोस्तों ये है, ठीक है, भारत के और जो है बांग्लादेश के नौसेना के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन है करंट अफेयर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? 14 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानक दिवस मनाया गया है, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, भारत कहाँ पर अपना पहला हॉस्पिटैलिटी हाउस स्थापित करने को के लिए सॉरी यहाँ पर तैयार है? भारत कहाँ पर अपना पहला हॉस्पिटैलिटी हाउस स्थापित करने के लिए तैयार है? टोक्यो में दोस्तों, टोक्यो में दोस्तों भारत अपना जो है हॉस्पिटैलिटी हाउस स्थापित करेगा, याद रखिएगा टोक्यो में। दोस्तों बताइएगा टोक्यो ये कहाँ पर पड़ता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोक्यो है कहाँ और किस देश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नासा द्वारा पृथ्वी के आइनोस्फियर का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित उपग्रह का क्या नाम है? आइकॉन, ICON, ठीक है, आइकॉन दोस्तों जो है एक प्रक्षेपित उपग्रह है नासा द्वारा, किसके अध्ययन के लिए? पृथ्वी के आइनोस्फीयर के अध्ययन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की 3000 से अधिक महिलाओं ने लगभग 40 साल में पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा? क्या बोल रहे हैं, हाल ही में किस देश की 3000 से अधिक दोस्तों जो महिलाओं ने लगभग 40 साल बाद पहली बार स्टेडियम में फुटबॉल मैच देखा? तो ईरान की महिलाओं दोस्तों, ईरान की महिलाओं ने 3000 से अधिक जो महिलाएं थीं इन्होंने लगभग 40 साल बाद ऐसा हुआ है कि स्टेडियम में पहली बार फुटबॉल मैच इन्होंने देखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में दूसरा स्थान किसे हासिल हुआ है? तो दूसरा जो स्थान हासिल हुआ है दोस्तों ये गौतम अडानी को दोस्तों, अडानी जी को जो यहाँ पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी भारतीय अरबपतियों की सूची में, दूसरा स्थान गौतम अडानी को। दोस्तों मैंने आपको बताया था भारतीयों में दोस्तों फोर्ब्स की सूची के अनुसार पहला स्थान किसे जारी हुआ था, पहला स्थान बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैंने कल आपको बता रखा है, बहुत ही आसान भी है, पहला स्थान किसे जारी हुआ है मतलब किसे हासिल हुआ है, दूसरा स्थान जो है गौतम अडानी को हासिल हुआ है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, पहला ग्लोबल डी एक्स वी चैलेंज की मेजबानी करने के लिए कौन सा शहर निर्धारित है? बोल रहे हैं पहला ग्लोबल डी एक्स वी चैलेंज की मेजबानी करने के लिए दोस्तों कौन सा शहर जो है निर्धारित है? दुबई शहर दोस्तों, दुबई जो है निर्धारित है डी एक्स बी यानी कि पहला ग्लोबल डी एक्स बी चैलेंज की मेजबानी करने के लिए निर्धारित शहर है दुबई। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई वीज़ा नियमों में छूट की घोषणा की है? भारत ने क्या किया हाल ही में, किस देश के नागरिकों के लिए दोस्तों ई वीज़ा के नियमों में इन्होंने छूट की घोषणा किया है? तो चीन के नागरिकों के लिए दोस्तों, चीन के नागरिकों के लिए दोस्तों जो भारत ने ई वीज़ा में इनके जो है छूट का जो है घोषणा किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो मैंने आप सभी लोगों से कल पूछा था और बहुत सारे लोग यहाँ पर आंसर नहीं बता पाए थे, तो देखिए कल का जो क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन था कल का, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 अक्टूबर को दोस्तों ये मनाया गया है, 12 अक्टूबर को, यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही जो उत्तर बताया वो अविता कन्वर जी ने, कई क्वेश्चन के आंसर सही से बताए हैं, अंग्रेज सिंह ने बताया है, मंधीर सिंह ने और अमन कुमार जी ने, इन सभी लोगों ने सी आंसर बताया है। चलिए आज का प्रश्न देख लेते हैं, देखते हैं कौन कौन लोग सही जवाब दे पाते हैं। तो आज का जो प्रश्न है दोस्तों वो है, हाल ही में किसने एम हरियाली ऐप लॉन्च किया? प्रीवियस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा, हाल ही में किसने एम हरियाली ऐप लॉन्च किया है? रामनाथ कोविंद जी ने या डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी ने और या फिर आपका जो है यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने या हरदीप सिंह पुरी जी ने? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को बताना है कि एम हरियाली ऐप किसने लॉन्च किया है, प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये था आपका 15 अक्टूबर 2019 के
20+ करंट अफेयर। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा। और अगर आपने देखो सीखो स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। देखते रहिए देखो सीखो स्टडी। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।